नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24x7 में। मैं हूँ रोशनी खंडूरी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जियोनी के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। 16 MP सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ जियोनी S10 लाइट। चीन की स्मार्टफोन कंपनी जियोनी ने इसी साल मई महीने में अपना जियोनी S10C स्मार्टफोन लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इसी से मिलता जुलता अपना नया स्मार्टफोन जियोनी S10 लाइट भारत में लॉन्च कर दिया है। जियोनी के इस नए S10 लाइट की सबसे खास बात यह है कि इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f2.0 है। कंपनी ने इसी के साथ व्हाट्सएप क्लोन फीचर भी दिया है, जिसकी मदद से एक ही हैंडसेट में 3 अकाउंट को इस्तेमाल किया जा सकेगा। जियोनी S10 लाइट को 15,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। ये दो कलर वेरियंट गोल्ड और ब्लैक में उपलब्ध है। S10 लाइट के साथ कई ऑफर्स भी मौजूद हैं। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नए स्मार्टफोन के साथ ग्राहकों को 2 पेटीएम कैशबैक वाउचर मिलेंगे। हर कूपन पर 250 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको पेटीएम मॉल से कम 350 रुपये की खरीदारी करनी होगी। वहीं एक अन्य ऑफर में रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को हर महीने 5 GB अतिरिक्त डाटा दिया जाएगा। यह ऑफर 10 महीने के लिए पेश किया गया है। हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको 309 रुपये का महंगा रिचार्ज करवाना होगा। इस फोन में 5.2 इंच डिस्प्ले है। इसमें 427 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस फोन में 4 GB की रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसके रियर पैनल पर 13 मेगापिक्सल और फ्रंट पैनल पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। यह हैंडसेट एमिगो 4.0 OS पर काम करता है और इसमें 3100 mAh बैटरी की दी गई है। तो ये थी जियोनी के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए समाचार 24x7 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।